अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी फालूदा। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फालूदे के लिए एक अदद मैंने लजीज़ा का पैकेट लिया है। यहाँ पर दूध लिया है मैंने 1 kg के करीब, और दूध को मैं उबाल आने दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पर दूध में हमारे उबाल आने लग गया है। अब मेरे पास ये लजीज़ा का जो साशे निकलता है पैकेट के अंदर से, वो साशे इसमें डालूँगी फालूदे का, और इसे साथ साथ हल्के हल्के हाथ से हम हिलाते भी रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इसमें वैसे तो चीनी, चिया सीड और बादाम पिस्ते और जो सवैयाँ होती है, ये सब कुछ ही होता है, कोई चीज़ हमें लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए हो तो आप उसमें ले सकते हैं साथ साथ। और इसे वैसे भी आप आइसक्रीम डाल के ठंडा करके सर्व करके दे सकते हैं। तो इसे मैं 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाती रहूँगी इसी तरह चमचा हिलाते हुए। तो ये देखिए, इसे 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। पहले इसे मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी, इसके बाद हम इसे 1 घंटा फ्रीज में रख देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो इसमें मैं गिलास में सबसे पहले आइस क्यूब डालूंगी। इसके बाद वैसे तो लजीज़ा फालूदा में चिया सीड्स होते हैं, लेकिन थोड़े से मैंने भिगो लिए थे, ये डालूंगी क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा होता है और ये बहुत ही जायकेदार होते हैं खाने में। तो ये थोड़े डाल रही हूँ मैं चिया सीड्स, थोड़ी सी रफान जेली, हमने जो फालूदा तैयार किया था वो डालूंगी। स्ट्रॉबेरी फालूदा है तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी भी मैंने कट करके रखी है, वो भी थोड़ी थोड़ी डालूंगी इसमें। दोबारा फालूदा डालूंगी, चिया सीड्स, जेली, बादाम पिस्ते गार्निश कर दूंगी। वैसे तो हम इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ, स्ट्रॉबेरी, थोड़ी सी जेली, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लजीज़ा स्ट्रॉबेरी फालूदा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सुनते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।